अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। आप तमाम दोस्तों को का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि चैनल को पसंद करते हैं और कमेंट भी करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका भी बेहद शुक्रिया, और मैं बहुत मशकूर हूं कि हमने एक और निसफ सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की सब्सक्राइबर्स की। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि तमाम अपडेट्स जो हैं वो उनको बर वक्त जो है वो मिलती रहें। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक बार फिर जो है वो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सवाल जो है वो प्लीज़ पूरा लिखा करें ताकि बर वक्त जो है वो आपको जवाब जो है वो दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर उन तमाम लोगों को कोशिश की जाती है कि सेम डे जो है वो आंसर दिया जा सके। तो चलते हैं जी आगे। और आज का दिन जो था वो बहुत अच्छा रहा। मार्केट ने जो कल उधार लिया था मुझ समेत आप तमाम दोस्तों से, वो आज उसने वापस कर दिया है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो जितना कल माइनस में था आज उतना जो है वो वापस आ गया। तो एक बहुत ही अच्छा दिन, और 463 पॉइंट, 450 पॉइंट जो है वो मार्केट आज मुस्बत में रही। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपर कैप हुई, और एक बहुत अच्छा दिन था। एक बुलिश ट्रेंड था आज सारा दिन। किसी एक वक्त मरहले में भी जाकर मुझे ये कोई खदशा नहीं हुआ कि शायद मार्केट जो है वो आज माइनस में चली जाएगी। तो बहुत ही एक कंटिन्यूटी थी आज एक बुल्स राइड के अंदर। जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम डेली जो है वो सर्किट ब्रेकर जरूर चेक करते हैं, तो आज भी देखते हैं कि क्या पोजिशन रही। एक लंबी लिस्ट है कंपनीज की के जो आज अपर कैप हुई। और मेरे लिए जो सबसे अहम चीज होती है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट का अपर कैप होना या लोअर कैप होना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो कितने वॉल्यूम के साथ हुई। आप जिस तरह एसगार्ड 9 है या अटक है, ये देखें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये दोनों अपर कैप हुई हैं। इसके अलावा बनीज है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम। और इसके अलावा नेटसोल एक बार फिर वापस आ गया। काफी लोग इसके बारे में जो थे वो खदशे का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद वापस रिवर्स होने लगा। ये पाकिस्तान रिफाइनरी एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये आज लीड भी कर रही थी वॉल्यूम को, और उसके साथ साथ ये अपर कैप भी हुई। इसके अलावा सर्विस और टीआरजी अगेन आज कैप हुआ, और अपने हाई को इसने आज एक बार फिर जो है वो तोड़ के एक नया हाई जो है वो बना दिया। 91 पे क्लोजिंग है इसकी। इसके अलावा यूनिस वेविंग मिल है, यानी कि काफी कंपनीज जो है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुई हैं। और अगर लोअर कैप की बात करें तो मैं ये समझता हूं कि कोई एक कंपनी भी आज लोअर कैप नहीं थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज इस चीज को दोहराता हूं और बार बार दोहराता हूं ताकि ये चीज जो है वो मेरे साथ साथ आप भी जो है इस चीज को अपनी एक आदत बना ले। इससे जरा मार्केट के रुख का थोड़ा सा तायुन करने में आसानी होती है कि अपर कैप जो हुई है कंपनीज वो कितने वॉल्यूम के साथ हुई है, लोअर कैप हुई है तो वो कितने वॉल्यूम के साथ हुई है। मार्केट में जो चीज मैटर करती है वो वॉल्यूम मैटर करता है। कॉर्पोरेट साइड पे देखते हैं आज जो है वो 102 कंपनीज जो थी वो माइनस में थी। 269 आज तकरीबन कल की निस्बत बिल्कुल उलट है। कल जो था वो एक तिहाई जो था वो मुस्बत था, और दो तिहाई जो था वो माफ कीजिएगा माइनस में था, और आज जो है वो एक तिहाई जो है वो माइनस में है और दो तिहाई जो है वो मुस्बत में है। यानी कि तकरीबन वो तमाम का तमाम इंडेक्स जो कि कल माइनस में था आज वो मुस्बत में हुआ। इससे मुराद ये नहीं है कि वो तमाम कंपनीज जो कल माइनस में थी आज मुस्बत में हो गई, सिर्फ कहने का मतलब यह है कि इसके नंबर ऑफ कंपनीज कह सकते हैं आप जो वॉल्यूम है जो 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 वजन कल माइनस में था आज वो सारा का सारा मुस्बत में आ गया। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर सारा का सारा ही आज
ग्रीन था। अब ऑटोमोबाइल की जब बात कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज दोनों के दोनों सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज उन्होंने। बॉन्ड्स वगैरह का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, केबल्स तमाम का तमाम, सीमेंट सेक्टर भी अच्छा रहा आज, लेकिन इसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। ये हम कोशिश किया करेंगे कि थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी बात कर लें। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा डिप्रेस क्यों है, इसकी क्या रीजन है? देखिए, मुझे जो चीज इसमें थोड़ी सी नजर आ रही है वो ये है कि जो नए लाइसेंस जो है वो अप्रूव किए गए हैं, शायद उसकी वजह से कंपनीज के जो जो हम हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं छोटे मोटे, वो शायद अब इसमें इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा हाथ खींच रहे हैं कि कंपनीज जब ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो सेल्स कम होंगी, प्राइसेस और मुनाफे कम होंगे। तो इसलिए ठीक है कि सारा तकरीबन ग्रीन ही था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर कोई खास बढ़ोतरी नहीं नजर आई, कोई अच्छे खासे कैप नहीं लगे इतनी बुलिश मार्केट के होने के बावजूद भी। उसके अलावा केमिकल सेक्टर है, इसमें तकरीबन मिला जुला सा रुझान रहा। म्यूचुअल फंड की तरफ मैं नहीं जाता, बैंक्स की तरफ भी देखें तो बैंक्स भी आज थोड़ा नीचे ही रहे, बैंक्स में भी कोई खास आज एक्टिविटी देखने में नहीं आई। इंजीनियरिंग सेक्टर ठीक था, तकरीबन मिला जुला ही रहा रुझान इसमें। फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज ठीक रहा तकरीबन, लेकिन कोई खास वॉल्यूम्स नहीं लगे इसमें। इसमें भी पर्सनल और फूड में, इसमें आज कुछ कंपनीज जो थी वो काफी अच्छी रही। आज अलशहीर जो है वो हुआ एक्सराइट, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब मेरा नहीं, दोस्त कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा शेयर के बारे में भी बात किया करें, तो इसलिए मैंने आज ये थोड़ा सा इसमें ये शामिल किया है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम बात कर लिया करेंगे। अलशहीर जो था ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसको अवेल आप लोगों को करना चाहिए था, क्योंकि इसका जो राइट है वो एट पार है। एट पार को आप लोग समझते ही हैं कि वो इसकी फेस वैल्यू पे है, 10 रुपए पे है। अब अगर आप इसको कल खरीदते तो ये 17 रुपए पे था तकरीबन, लेकिन मेरे पास तो होल्डिंग खैर इसकी कोई 16 रुपए की है समथिंग की, पुरानी वाली। अब फर्ज करें कि 50% का राइट है इसका, तो अगर ये आपको राइट मिलते हैं और राइट जब इसको ट्रेड होगा तो राइट जो है ये 5-6 रुपए से नीचे नहीं आएगा। तो अगर फर्ज करें कि उसमें से आपको अगर कुछ 6 रुपए या 7 रुपए, अगर 5 रुपए भी मिल जाते हैं तो दैट्स अ गुड बेनिफिट। कि अगर आपको आज 15 रुपए का शेयर पड़ा है तो 5 डाल के आपको तो 20 रुपए बन गए ना उसके। उसके अलावा फौजी फूड ने आज अच्छा परफॉर्म किया, यूनिटी का आज अच्छा था, मिचेल फ्रूट फार्म वैसे ही बहुत बड़ा शेयर है, नेशनल फूड बड़ा शेयर है, लेकिन अच्छा था आज इसका भी। शिजान अगेन, इसने काफी आज गेन किया। मैं खैर इसमें काम नहीं करता इसलिए मैंने कभी इसको देखा नहीं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं नहीं काम करता। ग्लास एंड सिरामिक्स भी आज थोड़ा डिप्रेस रहा, इसमें कोई खास बढ़ोतरी आज देखने में कोई खास नहीं आई, मास वाय इस GGGL के। इंश्योरेंस सेक्टर में मैं कोई खास काम नहीं करता इसलिए मैं इसके बारे में कोई अभी फिलहाल बात नहीं कर सकता। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह इसमें मैं वो JS के शेयर्स चलते हैं और वो आज भी वही चले। तो खैर ये थी एक छोटी सी लुक थी बिल्कुल, ओवरऑल हमने इसको थोड़ा सा देखा तो एक अच्छा जो था वो आज मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिला। तो आज ये इसके बारे में थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मार्केट समरी जो है क्या इसको हम डेली वीडियो के अंदर ऐड करें या जिस तरह से हमारा सिलसिला पहले चल रहा है उसी तरह से इसको चलने दें। अब चलते हैं कैंडल की तरफ। अब देखें कैंडल की जो सूरत हाल है आज की, वो भी अगर आप देखें तो बिल्कुल कल जितना मार्केट जो थी वो खा गई थी, ये उतना ही उसने आज इसको सारा का सारा वापस कर दिया मार्केट को। लेकिन अब आप ये देखेंगे मार्केट जिस जगह पे आज जाके क्लोज हुई है, मैंने कल एक बात कही थी कि मुझे इस कैंडल के बनने पर थोड़ा सा खदशे का इजहार मैंने इसलिए भी किया था कि ये कैंडल जो थी ये इस कैंडल को मुकम्मल तौर पर खा गई थी।
ये इससे बड़ी कैंडल थी। तो उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि ये दूसरी बनने वाली कैंडल जो है ये डिसाइड करेगी कि अभी ये क्या होगा। अब आज की जो कैंडल बनी है ये कल की कैंडल की निस्बत अगर हम आज इसकी बॉडी देखें तो बॉडी उससे बड़ी है। हम विक की बात नहीं कर रहे, अगर हम विक की बात करेंगे तो विक तो यहां तक थी इसकी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो बॉडी जो है वो चूंकि आज की जो कैंडल है अगर बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो इससे थोड़ी सी बड़ी कैंडल है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है उसने जितना लूज किया था उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो उसने गेन किया है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ग्रीन कैंडल जब बनती है तो उसमें और रेड कैंडल जब बनती है तो उसमें हम विक को बहुत ज्यादा देखते हैं कि विक की क्या पोजीशन है, कितनी बड़ी विक है। अब आज की जो कैंडल बनी है इसके ऊपर कोई विक नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि एक मुकम्मल तौर पर एक सॉलिड कैंडल जो है वो आज बनी है और ये मुकम्मल एक बुलिश ट्रेंड जो था वो आज सारा दिन रहा। अगर आप इस कैंडल को इन कैंडल्स के साथ कंपेयर करके देखें तो देखें ये हर कैंडल के ऊपर एक विक थी, लेकिन एक बहुत अच्छा और एक स्मूथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चला आ रहा था। आप देखते हैं कि यहां पर कल जो कैंडल बनती है वो डिसाइड करेगी कि आया कि मार्केट ने अपने तमाम हाईज को तोड़ना है या कि नहीं। अब यहां पर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है, कल हमने बात की थी शायद अगर आपको याद हो कि मार्केट का जो हमने बात की थी कि एक ये लेवल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी जो हमने बात की थी वो हमने ये की थी कि अगर कैंडल कल को यहां से बनती है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज है कि मार्केट ने दूसरी कैंडल जो है वो रेड नहीं बनाई और अपनी इस सपोर्ट को भी जो है वो रिस्पेक्ट किया है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो चूंकि मार्केट आज किसी को छू कर वापिस नहीं आई, और कहने का मतलब यह कि इसके ऊपर विक नहीं है। अब ये जो है ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस है जो कि कुछ ज्यादा बड़े पॉइंट्स की नहीं है। आज अगर मार्केट जो है वो 7:45 और 9:45, ये 200 पॉइंट का फर्क है जी। अगर कल मार्केट जो है वो 220 225, लेकिन यहां पर जो क्लोजिंग है मार्केट की वो इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक नए हाई की तरफ जाने को तैयार है। अब ये देखिए मार्केट का जो यहां पर इसने एक हाई बनाया था उसको मार्केट ने यहां पर ऑलरेडी तोड़ दिया है। अब ये एक नया हाई बनेगा अगर बना तो, और वो जो नया हाई बनेगा वो फिर ये पिछले सारे 52 वीक के हाईस को तोड़ तोड़ के साइड पे रखेगा और फिर उसके बाद नए हाईस की बातें होंगी। अब कल हमने एक इंडिकेटर इस्तेमाल किया था, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं खत्म कर रहा हूं यहां से। और उसमें हमने बात की थी, अब ये देखिए किधर चला गया है, ये देखिए अगर आप पिछले 2 दिन की वीडियो अगर आपने देखी हो तो जो हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें मार्केट ने ये वाली जो लाइन थी ये ड्रॉ नहीं की थी, लेकिन कल जब हमने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया था तो मार्केट ने ये इस पॉइंट को अपना हाई डिक्लेयर कर दिया था अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर। अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर थोड़ा गौर और फिक्र करना जरूरी है अपने मुस्तकबिल के लिए, जो हमने होल्डिंग अपने पास रखनी है। अगर मार्केट जो है वो कल एक नया हाई यहां पर जनरेट करती है और इस हाई को तोड़ देती है, मैं दोबारा से लाइन बताता हूं। अब ये जो हाई है अगर मार्केट जिसको के मार्केट ने इस वक्त अपना हाई डिक्लेयर कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, अगर मार्केट इस हाई को तोड़ देती है तो फिर वो होगा मार्केट का नया हाई। लेकिन अगर मार्केट जो है वो कल क्लोजिंग इससे नीचे देती है
फिर अब चाहे वो कैंडल कल को बने रेड या बने ग्रीन, अगर वो इस उसकी क्लोजिंग जो है वो मार्केट की यहां इसके नीचे होती है, तो फिर हम इस चीज को कह सकेंगे कि मार्केट जो है उसका कोई मूड नहीं है ऊपर जाने का, क्योंकि मार्केट जो है वो उसने एक बार टच किया, फिर उसने दूसरी बार टच किया, और अगर ये तीसरी बार एक W बन जाता है पूरा का पूरा, अब ये एक यस रियली इंपॉर्टेंट, आज इसके ऊपर मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपने जो है वो 120 की स्पीड पे है, अब ये स्टेयरिंग किसी भी वक्त किसी भी तरफ घूम सकता है। देखिए इस वक्त अगर आप इसको देखें तो ये एक पोजीशन बन रही है, ये देखिए एक आया यहां तक, फिर ये यहां से यहां तक गया, ठीक है। अब अगर कल को मार्केट यहां पर इसके ऊपर जाके क्लोज होती है तो फिर तो ठीक है, हम इसको यहां पर ले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता देन वो यहां पर आएगा और फिर उसके काफी चांसेस हैं कि फिर वो ऊपर ना जाए, और फिर एक चीज और बनेगी। देखिए ये चंद चीजें जो है ना, ये अजम्पशंस नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो फिर ये चीज कंसीडर होगी, ये आप इसको जरा थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कल की कैंडल जो है ये इस चीज को डिसाइड करेगी। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि तमाम दोस्त जो है वो उनको नजर आ जाए, और फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह 2-3 मिनट बाद, 2 मिनट बात होगी और फिर वीडियो को हम खत्म करेंगे। अब ये देखिए अगर मार्केट जो है, अब ये आखिरी एक लाइन रह गई है तो फिर इसको मुकम्मल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए अगर मार्केट ने कल यहां पर कैंडल बनाई जो के इसको तोड़ गई, तो फिर तो ये जो W वाली चीज है ये इधर की बजाय यहां चली जाएगी और हमारे पास एक चांस हो जाएगा, और अगर ये यहां पर नीचे बनती है तो फिर ये एक M की सूरत बनेगी, और अगर ये M कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक ऊपर जाने की मजीद गुंजाइश नहीं होगी और मार्केट जो है वो फिर नीचे जाएगी, तो इसलिए कल की जो कैंडल बनेगी वो डिसाइड करेगी कि कंटिन्यूटी जो है वो किस तरफ को होगी, क्या मार्केट जो है वो नया हाई बनाने को जा रही है या कि यहीं से मार्केट जो है ये M को कंप्लीट करेगी और फिर मार्केट नीचे की तरफ रवाना हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह ताला जो है वो कल फिर बात करेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट किया करें और चैनल को रिकमेंड भी किया करें प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।